नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं कोई रेसिपी नहीं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ किचन टिप्स, जो आपके किचन में आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अक्सर हम ज़्यादा चावल ले आते हैं तो चावल के अंदर कीड़े लग जाते हैं। इन कीड़ों से बचने के लिए हम चावल के अंदर 5 से 7 लौंग इस तरह से दबा देंगे। आप जब चावल डालें तो तले के नीचे भी 5 से 6 लौंग डाल दीजिए, इससे कीड़े नहीं लगेंगे। अगर आपके पास लौंग नहीं है तो आप माचिस ले लीजिए 3 से 4, वो इस तरह से चावल के अंदर दबा दें और फिर भी कीड़े नहीं लगेंगे। और ये किचन टिप्स आप ज़रूर अपनाएं। जब भी हम पनीर लेके आते हैं, पनीर खट्टा हो जाता है 2 से 3 दिन में ही। पनीर खट्टा ना हो, ताज़ा बना रहे, उसके लिए हम पनीर के अंदर पानी डाल देंगे। इतना पानी डालना है कि पनीर अच्छे से डूब जाए और इसे ढक्कन लगाकर हम फ्रीज में रख देंगे। जब आपको पनीर यूज़ करना हो थोड़ा सा ले लीजिए और वापस से इसे पानी बदल कर रख दीजिए। इस तरह आपका पनीर खट्टा भी नहीं होगा और ज़्यादा दिन तक चलेगा। अक्सर हम दही जमाते हैं तो थोड़ा सा दही ले लेते हैं तो दही जो है वो ख़राब हो जाता है और वो काफ़ी खट्टा हो जाता है। दही हमारा अच्छा और ताज़ा बनने के लिए कच्चा नारियल लेंगे थोड़ा सा और इस तरह दही के अंदर दबा देंगे और दही को फ्रीज में रख देंगे। इस तरह से दही हमारा ताज़ा बना रहेगा। जब भी आप चावल बनाएं, भगोने के अंदर 2 चम्मच देसी घी डाल दें। इस ट्रिक से फ्रेंड्स आपके चावल एकदम खिले खिले और एकदम सफ़ेद बनेंगे। देखिए, अब आप इसके अंदर चावल धोकर डाल दीजिए और इसे मिक्स कर दीजिए। ये हम फीके चावल बना रहे हैं और अब हम इसके अंदर 1 चम्मच नमक की डाल देंगे। और अब हम इसके अंदर 1/2 नींबू निचोड़ देंगे। नींबू से फ्रेंड्स ये एकदम खिले खिले और एकदम सफ़ेद चावल बनकर हमारे तैयार होंगे। अगर नींबू छोटा है तो आप इसके अंदर 1 नींबू निचोड़ दें और इसे मिक्स कर दें। और चावल को पकने दें। देखिए, हमारा चावल बनकर तैयार है। आप एक एक दाना चावल का गिन सकते हैं और ये एकदम सफ़ेद चावल बनकर तैयार हुआ है। जब भी आप राजमा उबालें, राजमा के अंदर 2 चम्मच देसी घी डाल दीजिए और 1 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे नमक और 1/2 चम्मच हम डाल देंगे इसके अंदर बेकिंग सोडा। इससे आपके राजमा खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और बहुत ही जल्दी उबल कर तैयार हो जाएंगे। अब हम इसको ढक्कन लगाकर उबाल लेंगे। अक्सर हम नारियल ले आते हैं तो नारियल 2 या 3 दिन में ख़राब हो जाता है। नारियल ख़राब ना हो, इस पर हम थोड़ा सा नमक लगा देंगे इस तरह से। इससे नारियल ताज़ा बना रहेगा और ख़राब भी नहीं होगा। देखिए, इस तरह से सारे नारियल पर नमक लगा दीजिए। और इसे फिर आप फ्रीज में रख दें, जब आपको खाना हो तब आप इसे निकाल कर खाएं। ये एकदम ताज़ा बना रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सब्सक्राइब करें अन्नपूर्णा रसोई चैनल को और बेल बटन को दबाएं हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।